हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई क्रिएशन। आज की वीडियो में मैं आप सबको एक सिंपल सा ब्लाउज डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पे अस्तर कपड़े को काट के रखी हूँ, जिसकी लंबाई 15 इंचेस है, शोल्डर 5.5 इंचेस है, नेक की विड्थ 2.5 इंचेस पे मार्क दे दिया। अब नीचे से 4.5 इंचेस पे मार्क दे दूंगी। गले की चौड़ाई 3.5 इंचेस पे मार्क करके लाइन खींच लूंगी, फिर उस पे एक डिजाइन दे दूंगी। फिर मार्क के अनुसार काट लेंगे। अस्तर कपड़े को पहले ब्लाउज कपड़े के ऊपर ऐसे रख के अटैच कर लेंगे। अब इस लेस को उसी ब्लाउज कपड़े से निकाल लेंगे। पहले डिजाइन देने के लिए लेस में से कुछ कपड़े ऐसे कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं इस कपड़े को ब्लाउज के ऊपर ऐसे रख के एक डिजाइन दे दिया है। चलिए इन तीनों कपड़े को वीडियो में दिखाई गई तरीके से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद बाकी के कपड़े को काट के निकाल लेंगे। अब एक रेड कलर की कपड़े को लेके डोरी बना लेंगे। फिर छोटे छोटे पीसेस बना के डिजाइन दे देंगे। अब सारे डिजाइन्स को ऐसे स्टिच कर लेंगे। ये जो बाकी के कपड़े निकले हैं उसे काट लेंगे। फिर एक सिल्वर कलर की लेस को लेकर उसके ऊपर ऐसे सिलाई कर लेंगे। अब इस बॉर्डर में से छोटे छोटे ट्रायंगल कट कर लेंगे। इन सारे पीसेस को ब्लाउज के ऊपर ऐसे रख के सिलाई करेंगे। उससे पहले
रेड कलर की डोरी को कट करके ऐसे डिजाइन देके उन ट्रायंगल कपड़े के नीचे ऐसे रख के सारे साइड सिलाई कर लेंगे। रेड कलर की एक क्रॉस कपड़े लेकर पाइपिंग दे देंगे। फिर ऐसे मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। नीचे की पार्ट में भी ऐसे पाइपिंग दे देंगे। अब दोनों साइड प्लीट दे देंगे। इन सारे डिजाइन्स को सुई धागा से कपड़े के ऊपर स्टिच करते अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर कुछ स्टोन्स को लेकर फैब्रिक ग्लू की मदद से सारे डिजाइन्स के ऊपर चिपका लेंगे। अब हमारा ये डिजाइनर ब्लाउज बनके रेडी हो गया। आशा है कि आप सबको ये पसंद आए। तो मिलती हूँ मैं आप सब से अपने अगले वीडियो में। जय श्री साई।